समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवाद के पुरोधा छोटा लोहिया स्वर्गीय श्री ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती पर पूरे देश में विशाल साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसको सफल बनाने के लिए जौनपुर जिले के मणियाहो विधानसभा के पूर्व विधायक श्रीमती श्रद्धा यादव ने अपनी भागीदारी दर्ज कराते हुए सैकड़ों समाजवादी समर्थकों के साथ मणियाहो विधानसभा के उंचनी कला पाली शीतलगंज शिवपुर बाईपास होते हुए मणियाहो ब्लॉक तक साइकिल यात्रा निकाली। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्रद्धा यादव ने कहा कि आज एक महान समाजवादी नेता की जयंती है और हम सब उनका अनुसरण करते हुए जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं और सरकार की निरंकुशता के विरुद्ध आंदोलनरत हैं। श्रीमती श्रद्धा यादव ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। लगातार बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है और बेरोजगारी की मार से आए दिन आत्महत्याएं हो रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? यह आए दिन महिलाओं के उत्पीड़न की शर्मसार कर देने वाली घटनाओं से अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहा कि वर्तमान सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए किसानों पर काले कानून को जबरन लगाकर अन्नदाताओं की दुर्गति कर दी है। वहीं जिला महासचिव मंजूर हसन ने कहा कि भाजपा के ट्रिपल इंजन की सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। विधानसभा अध्यक्ष गामा सोनकर ने कहा कि भाजपा सरकार में अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि हम इन मुद्दों को लेकर आज पूरे मणियाहो विधानसभा में सरकार की जन विरोधी नीतियों व निर्णय के खिलाफ साइकिल यात्रा निकालकर इस सरकार के विरुद्ध अपना संघर्ष और आंदोलन जारी रखेंगे। आज की विशाल साइकिल यात्रा में मुख्य रूप से मणियाहो की पूर्व विधायक श्रीमती श्रद्धा यादव, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष राकेश मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष गामा सोनकर, मणियाहो ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र यादव, विधायक पति कमला शंकर यादव, जिला महासचिव मंजूर हसन, राजवीर यादव, राजेश यादव, जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मुन्ना सिंह चौहान के साथ सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मणियाहो से कपिल देव सिंह की रिपोर्ट। छोटे लोहिया स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर पूरे उत्तर प्रदेश में आज साइकिल यात्राएं चल रही हैं। उसी क्रम में मणियाहो विधानसभा में ग्राम शिवपुर बाईपास से चलकर मणियाहो तहसील थाने कस्बे होते हुए आज मणियाहो विकासखंड के ब्लॉक पर पहुंच रही है और इस साइकिल यात्रा का नेतृत्व हमारी पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय श्रीमती श्रद्धा यादव जी, आदरणीय राजवीर यादव जी, आदरणीय राणा पुष्पेश यादव जी, आदरणीय गामा सोनकर जी, आदरणीय चंद्रभान यादव जी, आदरणीय ईसा फारूकी साहब, आदरणीय जाहिद खान साहब, आदरणीय ईसा मंजूर हसन साहब, आदरणीय गुड्डू जी, टीवीएस गुड्डू महराज गुड्डू जी, मुन्ना चौहान जी, तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष लालचंद यादव सहित, महेंद्र यादव और इमरान अंसारी सहित तमाम हमारे पार्टी के लोग भारी तादाद में वहां से आज साइकिल यात्रा करके, और ये आज कहना चाहता हूं कि आज स्वर्गीय छोटे लोहिया की जयंती है और हम लोग आज साइकिल चल चुकी है और चुनाव जो तारीख आने तक साइकिल अब चलती रहेगी। उत्तर प्रदेश में साइकिल की सरकार 2022 में बनेगी और माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और जुल्मी जालिम हत्यारी सरकार को जा रही है और न्यायी अत्याचारी मुख्यमंत्री को इस
सरकार को समाजवादी पार्टी का छोटा छोटा बड़ा कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता हटा के ही दम लेगा और तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक हमारी माननीय अखिलेश यादव की लोकप्रिय सरकार नहीं बन जाएगी, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक गरीबों और महंगाई से मुक्ति नहीं मिलेगी, व्यापारियों को व्यापार नहीं चलेगा और सारे उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण की सरकार होगी और विकास की सरकार होगी और जुल्मी सरकार को हटा के ही समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता दम लेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग संकल्प ले लिए हैं कि सरकार को भगाएंगे, भाजपा को हटाएंगे, अखिलेश को लाएंगे। अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैम, जो आज ये साइकिल यात्रा निकाली गई है, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो छोटे लोहिया के नाम से जाने जाते थे आदरणीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी के जयंती के उपलक्ष में यह साइकिल यात्रा निकाला गया। यह समाजवादी का शुरुआत है। भाजपा सरकार से लड़ने के लिए, भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज से हम लोग ये अभियान चालू कर दिए हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। जब तक भाजपा सरकार को हटा नहीं देंगे, चाहे साइकिल चलाना हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे रोड पर आना हो, हम लोग एकदम भाजपा सरकार के विरोध में यह लड़ाई लड़ने के लिए आ गए हैं सामने। मैम, ये साइकिल यात्रा आप कहाँ से कहाँ तक शुरुआत गई थी? ये मड़ियाहू बाईपास, शिवपुर बाईपास और तहसील से होते हुए पूरा कस्बा में वहाँ से निकालते हुए हम लोग मड़ियाहू ब्लॉक में आकर समापन। अच्छा, यहाँ मड़ियाहू ब्लॉक पे आप मुख्यालय पे समापन किया जा रहा है? जी। स्वर्गीय आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के जन्मदिन के अवसर पर यह साइकिल यात्रा जो निकाला गया है, इसमें उपस्थित हमारे पिता तुल जो 71 साल की उम्र में भी साइकिल चलाने में जोश रखते हैं, आदरणीय चाचा ईसा फारूकी जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और उपस्थित यहाँ हमारे सभी वरिष्ठ नेता भाई राकेश मौर्या जी, पूर्व प्रधान भाई चंद्रभान यादव जी, मुन्ना चौहान जी, भाई अताउल्ला खान जी, भाई गुड्डू टीवीएस, भाई जाहिद खान, विधानसभा अध्यक्ष भाई गामा सोनकर जी, महासचिव मंजूर हसन जी, समाजवादी के नेता भाई गौरी सोनकर जी, भाई कपिल जी और भाई राजवीर जी, तीनों ब्लॉक के अध्यक्ष भाई महेंद्र यादव जी, लालचंद यादव जी, इमरान अंसारी जी, राणा जी, यहाँ उपस्थित वर्तमान प्रधान भाई सुखू यादव जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित, चाहे वो सेक्टर के पदाधिकारी हो, चाहे बूथ के पदाधिकारी हो, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तागण और समाजवादी पार्टी के जाबाज सिपाही, हमारे सभी जो नौजवान साथी आए हैं, जो बच्चे आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। आप सभी लोगों ने एक आह्वान पर, एक संदेश पर, एक फोन पर, भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए कि जो मैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि 5 अगस्त आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के जयंती पर यह साइकिल यात्रा निकाली जाए, उस आह्वान पर आप सभी लोगों ने उपस्थित होकर आज दिखा दिया कि अब यह शुरुआत हो गई है भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की नौबत आ गई है। आप सभी लोग एक साथ जुट कर अब जब भी सड़क पर लड़ाई लड़ना होगा, जहां भी होगा, हमारे सभी जाबाज सिपाही हमेशा कदम पे कदम मिलाकर वहाँ उपस्थित रहेंगे। मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई।